दुर्ग के कोतवाली थाने में प्रॉपर्टी के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं प्रार्थी रामदेव टायर्स नामक दुकान के संचालक की शिकायत पर दुर्ग पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग के गंजपारा स्थित रामदेव टायर्स दुकान के संचालक दिनेश टावरी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दुर्ग के कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने होंडा शोरूम के संचालक के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर दुर्ग सिटी कोतवाली थाना टीम को सौंप दिया है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि प्रॉपर्टी के नाम पर 5 करोड़ से भी ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी कर दो पार्टी के बीच हुए लेन देन में मिस्टेक की वजह से ये मामला सामने आया। एक पार्टी के द्वारा मुकर जाने के बाद दूसरे ने धोखाधड़ी की शिकायत दुर्ग पुलिस से की। बहरहाल अब दुर्ग पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बारीकी से जाँच कर रही है। मामले को लेकर दुर्ग CSP IPS चिराग जैन ने इस तरह की जानकारी दी। ये लगभग 5 करोड़ रुपए का मामला है। इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है धारा 420 और 34 IPC में, और इसमें एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लिए शोरूम और कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन उसमें बाद में नहीं किया और बाद में पता चला कि कुछ फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट किए गए थे और धोखाधड़ी हुई और उसके बेसिस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।